हेलो फ्रेंड्स, सूरत टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको लुमिनस के PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 12 वोल्ट 6 एम्पियर का है उसके डिस्प्ले इंडिकेशन को मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक करके। इसमें देखिए ये डिस्प्ले जो हो रहा है इसमें कुछ लाइट ब्लिंक कर रहा है, कुछ स्थिर है, तो सब के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, सबका मतलब क्या है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये सबसे ऊपर जो सूर्य की तरफ बना हुआ है, सन की तरह डिजाइन में, अगर ये लाइट आपका ब्लिंक कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी पूर्ण चार्ज अवस्था में है, यानी आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। तो ये आपको इसके स्पेसिफिकेशन शीट जो इसके दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन और डिस्प्ले इंडिकेशन शीट, इसमें आपको देखिए मेंशन है। यहाँ देखिए सोलर है और यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ब्लिंकिंग स्थिति है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका बैटरी पूर्ण चार्ज, आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको ये जो सबसे ऊपर वाला ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई है। ठीक है फ्रेंड, एक तो अवस्था ये हो गया। अब दूसरी अवस्था ये है कि जब ये LED आपकी स्टेडी स्टेट में हो, कहने का मतलब स्थिर अवस्था में हो, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो अभी बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो इसको थोड़ा सा अभी डिस्चार्ज करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये 12 वोल्ट का DC लोड है, इसको मैं अभी जैसे ही लगाऊंगा तो ये आपको फिर से चार्जिंग मोड में ले लेगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लाइट जलने लगा, तो ये आपका देखिएगा अब स्थिर अवस्था में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये आप फिर से चार्जिंग लेना शुरू कर दिया है। ये ग्रीन कलर की लाइट जो सबसे ऊपर सूर्य के डिज़ाइन का है स्थिर अवस्था में, इसका मतलब क्या है कि अब बैटरी चार्जिंग होनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दिए अभी, तो थोड़ा देर के बाद ये फिर ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। तो पहला LED ये दो चीज़ को बताता है, अगर ये ब्लिंक कर रहा हो तो इसका मतलब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो गई हो, अगर ये स्थिर हो गया है तो आपकी बैटरी चार्जिंग अवस्था में है अभी। अब ये बीच में देखिए आपका ग्रीन कलर की LED जल रही है और ये बैटरी का सिंबल और इसमें पावर का ये सिंबल दिया हुआ है, ये मिडिल में देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बताता है आपको बैटरी चार्ज स्तर को। ठीक है फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका हरा रंग है और स्थिर है, बैटरी का चार्ज स्तर जो है 70 से 100% है, अगर यही एम्बर कलर का है तो बैटरी का चार्ज स्तर 25 से 70% होगा, लेकिन अगर ये लाइट रेड कलर में ब्लिंकिंग करने लगेगी, बैटरी लो प्री अलार्म ये बता रहा है, कहने का मतलब 25% अगर बैटरी आपकी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये रेड कलर का लाइट, इसमें ये जो ग्रीन जल रहा है ये रेड में ब्लिंक करना शुरू कर देगा आपका। फिर है कि लाल अगर स्थिर हो जाए, वही मिडिल वाला लाइट अगर रेड कलर में स्थिर जलने लगे तो बैटरी से ये डिस्कनेक्शन के मोड में आ जाएगा, यानी लोड को ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ये तीसरी LED यहाँ पे जो बंद पड़ी हुई है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसको भी अभी मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा। तो ये बताता है फॉल्ट को। ठीक है, अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो आपका ओवरलोड हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये स्थिर है तो आपका कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, एक कंडीशन हो गया। फिर इस बैटरी का चार्ज स्तर और ज़्यादा हो गया है या फॉल्ट है, दोनों है इसमें से, तो भी ये आपका स्थिर होगा, बैटरी रेंज से बाहर चले जाने के बाद ये आपका जो है स्थिर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी देखिए ये आपका ये रेड कलर का लाइट इस पर नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही अभी देखिए इस चार्ज कंट्रोल को भी हम शॉर्ट करेंगे एक वायर की हेल्प से, जैसे शॉर्ट करेंगे ये लाइट आपका रेड कलर का जलने लगेगा, तो इसके लिए हमें छोटे से वायर की ज़रूरत होगी। देखिए फ्रेंड, अभी ये तीसरा लाइट नहीं जल रहा है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, लोड साइड में शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये देखिए, इसको फिर जल्दी से आप हटा लीजिए।
ठीक है फ्रेंड, अब देखिए तीसरी लाइट जलने लगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किट हो गया है लोड साइड में। ठीक है फ्रेंड, इसी में और भी कंडीशन है, अगर बैटरी आपका रेंज से बाहर चले गया तो भी ये लाइट जलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।